हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपके पास एक्सेल नहीं है या फिर आप परचेज नहीं करना चाहते, तो मैंने आपको बताया था WPS ऑफिस के बारे में। आज हम लोग WPS ऑफिस पर वी लुकअप लगाना सीखेंगे। देखिए ये WPS ऑफिस पर किस तरीके से ये मैंने डेटा तैयार किया है। अब इस पर बॉर्डर लगाना है तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट करने का वही तरीका है जो एक्सेल में है। एक्सेल में भी आप आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करिएगा तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा इसमें कहीं भी क्लिक करके। और यहां से जाइएगा तो ये ऑल बॉर्डर मिल जाता है ऑप्शन, तो यहां से पूरा बॉर्डर लगा लीजिएगा। अब समस्या ये है कि यहां पर जो लिखेंगे वो हमें सर्च कर, जैसे मान लीजिए रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है, कैसे करना है वो देख लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है और रोल नंबर के ही बेस पे हम सर्च करेंगे। भाई वी लुकअप तो हमेशा हमें लेफ्ट साइड से ही सर्च करना होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और रोल नंबर तो ये हो गया, लेकिन इसके अलावा हमको क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए या टोटल चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट है उसका टोटल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी रोल नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन क्रिएट कराना कितना आसान है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से डेटा टाइप पे जाना है। डेटा टाइप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेशन मिल जाता है, तो बस यहाँ पे चले जाइएगा और वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट हमें बनानी है, लिस्ट हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिस्ट पे चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से वो लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये हमारी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जितना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो ओके करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसी का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं। ये वी लुकअप लगा दिया। अब वी लुकअप में यहाँ पर जो रोल नंबर हो उसी को, उसी के बेस पे हमें देखना है, क्या देखना है, टोटल। तो कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पे आपको पता ही है कि टेबल एरे पूरा आता है, तो ये पूरा का पूरा टेबल एरे आपको करना होगा सेलेक्ट। तो पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कीजिएगा, कम या ज्यादा मत कीजिएगा, पूरा टेबल एरे। F4 दबा के फ्रिज कीजिएगा। देखिए ये फ्रिज हो गया, यहाँ पे फ्रिज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। रो और कॉलम दोनों ही के पहले डॉलर लग चुका है, मीन्स की ये फ्रिज हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद चूंकि हम सर्च करना चाहते हैं रोल नंबर के बेस पे, ठीक है, तो कौन से रोल नंबर के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, एवरेज चाहते हैं, रोल नंबर चाहते हैं, टोटल क्या मतलब। यहाँ पर हमको रो नंबर या कॉलम नंबर देना होता था, याद है ना, वहां पे एक्सेल में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट आपको शो होगा। अब ये बिल्कुल अलग है एक्सेल से, देखिए ना, यहाँ पर एक्सेल में इस तरीके का नहीं शो होता है। तो बस हमको टोटल देखना है, तो टोटल पे क्लिक कीजिए, टोटल का कॉलम नंबर अपने आप आ जाता है। यहाँ पर कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे NA आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पे अभी रोल नंबर सेलेक्ट नहीं किया। जैसे ही रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब आपको बार बार रो नंबर या कॉलम नंबर डालने की जरूरत पड़ती थी, तो WPS ऑफिस में ये ना तो रोल नंबर ना तो कॉलम नंबर, दोनों में से कोई भी डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट 5 का नंबर चाहिए, तो बस सब्जेक्ट 5 को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ सब्जेक्ट 5 का, रोल नंबर 4 का, सब्जेक्ट 5 का नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए जरा, ये रोल नंबर 4 है और सब्जेक्ट 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 69 आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से ताकि आपको दिखेगा भी। और ये जो है रोल नंबर 4 का है, लेकिन मान लीजिए रोल नंबर 4 का नहीं देखना था, रोल नंबर 7 का देखना था, तो रोल नंबर 7 का ही आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा रोल नंबर 7 वाली रो मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से, आपको दिखेगा। देखिए तो 7 का क्या है टोटल, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल तो किया नहीं था, सब्जेक्ट 5 का मार्क्स लेके आए थे हम लोग। तो सब्जेक्ट 5 का मार्क्स क्या है इनका, तो देखिए 56 है ना। अगर मान लीजिए टोटल देखना होता तो क्या करते, बस इसी को F2 कर देते और यहाँ पे ना तो रो नंबर देने की जरूरत ना तो कॉलम नंबर देने की जरूरत, सीधा सीधा क्या करना है, टोटल पे क्लिक करना और एंटर करना। तो देखिए 139 टोटल आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आया भी हुआ है, एक डिफरेंट कलर यहाँ से फिर से देता हूँ, देखिए यहाँ पे 139 आया हुआ है। तो इस तरीके से ये बड़ा ही जबरदस्त है और एक्सेल से, मेरे हिसाब से तो एक्सेल से भी ज्यादा बेहतरीन है। तो ये आपको जरूर सीखना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।